सो इस पीछे ट्रेलर में आपने देख लिया कि किस तरीके से मैंने हर एक गोली हेडशॉट मार के पूरे स्क्वाड को यहाँ पे ख़त्म कर दिया। तो यार इसी तरीके से अगर आपको भी पूरे के पूरे स्क्वाड को ख़त्म करना है, हर एक गोली आपको हेडशॉट मारनी है, चाहे लॉन्ग रेंज हो, चाहे मिड रेंज हो और चाहे शॉर्ट रेंज हो, अगर आपको हर एक रेंज में हर एक बंदे को हेडशॉट मारना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना है। इस वीडियो में मैं आपको सारी की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे कि बहुत ही ईजिली यहाँ पे हेडशॉट पड़ते हैं। तो यार करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। सो इस पहले जो एक दो पॉइंट होंगे वो काफ़ी ज़्यादा बेसिक होंगे, आपको लगेगा कि यार ये पॉइंट तो किसी काम के नहीं है, बट गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेडशॉट मारने की शुरुआत ही यहीं से होती है। तो होप्स हो कि आप पूरे के पूरे वीडियो को देखोगे, सिर्फ ट्रिक देखोगे तो भाई उससे आपका फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि है सेंसिविटी। तो देखो यार डेजर्ट ईगल से अगर आपको हेडशॉट एकदम ही एक्यूरेटली, मतलब कि हर एक गोली हेडशॉट मारनी है, तो यार आपकी सेंसिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एंड खासकर तब जब आप डीपीआई का यूज़ अपने फ़ोन में नहीं करते। तो यहाँ पे आपको डेजर्ट ईगल की अपने सेंसिविटी में जर्नल को यहाँ पे 100 पे रख लेना है, ठीक है, जर्नल को 100 पे बिल्कुल ही रख लेना है। उसके बाद जो आपका रेड डॉट रहता है इसको आपको 90 से ऊपर ही रखना है, 90 से 95 के बीच में आप रख सकते हो। सो गाइस ये तो बात हो गई सेंसिविटी की, अब बात करते हैं अपने सेकेंड टिप की ओर जो कि है फायर बटन साइज़। देखो आपको अपने फायर बटन का साइज़ जितना हो सके उतना कम रखना है। मैंने कई यूट्यूबर पर यह बोलते हुए सुना है कि कम फायर बटन से हेडशॉट नहीं पड़ते, बट ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। आप जितना कम साइज रखते हो भाई उतने ज़्यादा यहाँ पे हेडशॉट पड़ते हैं। आपको पता नहीं तो भाई मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि भाई वाइट एफएफ जो है, जो मतलब वन टैप लेजेंड माना जाता है जिसको, वो अपने फायर बटन को यहाँ पे 30 पे रखता है, मतलब इतना कम फायर बटन साइज। तो यार मैं इसलिए कहूँगा जितना कम हो सके भाई उतना आपको कम फायर बटन का साइज यहाँ पे रखना है। मैं पर्सनली गाइस 45 साइज का यूज़ करता हूँ, मतलब 45 साइज का यूज़ करता हूँ। तो मैं कहूँगा कि आप 45 साइज को स्टार्टिंग में यूज़ कर सकते हो, काफ़ी ईजिली आपको हेडशॉट मारने को यहाँ पे मिल जाएंगे, और हो सके तो और भी कम कर सकते हो, जितना आप चाहो उतना कम कर सकते हो, बट 50 साइज से ऊपर बिल्कुल भी मत जाना, इसमें आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी ट्रैक करने। तो आप 45 साइज का यूज़ कर सकते हो या तो आप और भी कम साइज पे जा सकते हो। सो गाइस ये तो बात हो गई फायर बटन के साइज़ के बारे में। अब मैं गाइस आपको ट्रिक यहाँ पे समझाने वाला हूँ कि क्या आपको ट्रिक अपनानी चाहिए जिससे कि आपके हेडशॉट इजीली पड़े, एंड मैं यहाँ पे रेंज के हिसाब से समझाऊंगा, मतलब पहले मैं लॉन्ग रेंज के लिए समझाऊंगा, फिर मिड रेंज के लिए, एंड फिर शॉर्ट रेंज के हिसाब से आपको समझा दूंगा कि आपको लॉन्ग रेंज में, मिड रेंज में या शॉर्ट रेंज में क्या क्या करना है जिससे कि आपका हर एक रेंज में हर एक टाइम पे हेडशॉट पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लॉन्ग रेंज के साथ। सो गाइस लॉन्ग रेंज में हेडशॉट मारना काफ़ी सिंपल होता है, बस आपको करना क्या है, एक तो सही सेंसिविटी रखनी, उसके बाद गाइस आपको अपने एम को जस्ट रेड करना है एनिमी की बॉडी पे, चाहे वो कितना ही दूर हो, जस्ट आपको क्या करना है, कोशिश करनी है कि उसके एनिमी पे एकदम बढ़िया से रेड हो जाए एम। उसके बाद गाइस आपको एकदम ही ड्रैग करना है, ड्रैग आपको छोटा सा करना है, मतलब बहुत ही कम ड्रैग करना है। अगर आप कम ड्रैग भी करोगे तो भाई लॉन्ग रेंज में इजीली हेडशॉट पड़ जाता है, बट आपको एक बात को ध्यान रखना है कि आप कम चाहे ड्रैग करो, बट जो ड्रैग रहता है वो एनिमी जिस तरफ जा रहा है उसी साइड होना चाहिए। जैसे कि अगर एनिमी यहाँ पे एकदम सीधा खड़ा हुआ है तो यार आपको सिर्फ सीधे के सीधे ही ड्रैग कर देना है, यानी एकदम ही स्ट्रेट ड्रैग कर देना है। लेकिन अगर एनिमी यहाँ पे एकदम ही वॉक कर रहा है, यानी कि दौड़ भाग रहा है, तो यार आपको वहाँ पर ड्रैग करना है जहाँ पर एनिमी जा रहा है। यानी कि अगर मान के चलिए कि एनिमी लेफ्ट साइड की दौड़ रहा है, तो आपको लेफ्ट साइड की ओर ही अपने फायर बटन को है ना यहाँ पे खींच देना है, मतलब थोड़ा सा ड्रैग कर देना है लेफ्ट की साइड, एंड अगर राइट की साइड दौड़ रहा है तो आपको लाइट की साइड थोड़ा सा ड्रैग कर देना है। सो गाइस ये तो बात हो गई लॉन्ग रेंज की। अब मैं आपको मिड रेंज में कैसे आप हेडशॉट मार सकते हो वो बताता हूँ। तो यार मिड रेंज में भी हेडशॉट आप इजीली इस तरीके से मार सकते हो जैसे आपने लॉन्ग रेंज में मारा, मतलब लॉन्ग रेंज में जो मैंने ट्रिक आपको बताई ना, सेम टू सेम ट्रिक आप फॉलो कर सकते हो मिड रेंज के लिए। बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपका एम जो रहता है वो यहाँ पे सही से प्लेस होना चाहिए, यानी कि आपका जो एम है वो एनिमी की, यानी कि सामने वाले एनिमी की बॉडी पे, पैरों पे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अगर वो पैरों पे चले गया तो वहाँ पे एम लॉक हो जाएगा एंड आपके हेडशॉट यहाँ पे नहीं पड़ेंगे। यानी कि आपको हमेशा अपने एम को मिड रेंज के हिसाब से आपको एकदम ही एनिमी के जो चेस्ट रीजन रहता है ना, चेस्ट के ऊपर ही रखना है। अगर आप चेस्ट के ऊपर रखते हो तो यार आपका ईजिली हर एक शॉट यहाँ पे हेडशॉट चले जाएगा, मतलब इतना तो आपको ऊपर रखना है, कम से कम जो चेस्ट एनिमी का चेस्ट रहता है उसके ऊपर रखना है, तो यार आप ईजिली यहाँ पे हेडशॉट मार पाओगे। सो गाइस ये तो बात हो गई मिड रेंज की, अब बात करते हैं यहाँ पे शॉर्ट रेंज की। देखो
यार शॉर्ट रेंज में एक तो आपको पहले अपने एम पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, मतलब कि अगर आप शॉर्ट रेंज में हेडशॉट मारना चाहते हो तो आपको एम को बहुत ज़्यादा बारीकी से देखना होगा। आपको एम को पहले तो वाइट रखना है एनमी की बॉडी पे, यानी कि आपको रेड नहीं करना। आप इन दोनों जगहों में से कोई सी भी जगह एम को रख सकते हो, या तो आप एनमी के पैरों के नीचे एम को रख सकते हो या एनमी की बॉडी के साइड में एम को रख सकते हो। अब मैं तो कहूँगा अगर आप स्टार्टिंग में मारना सीख रहे हो तो आप एनिमी की बॉडी के नीचे एम को रखो, मतलब पैरों के नीचे एम को रखो, ठीक है। पैरों के नीचे एम को रखने के बाद आपको क्या करना है, पैरों के नीचे एम को रखने के बाद एकदम ही स्ट्रेट ड्रैग मार देना है, ठीक है। स्ट्रेट ड्रैग आपको बहुत ज़्यादा मारना होगा भाई, शॉर्ट रेंज में तो आपको ज़्यादा ही ड्रैग मारना होगा। तो आपको इतना ड्रैग मारना है कि आपके जो गन वॉक्स वाला बटन है ना, कम से कम उधर तक तो ड्रैग पहुँच ही जाए आपका। तो यार इससे आपको बहुत ही ईजी हो जाएगी यहाँ पर आपका वन टैप पड़ने में, ठीक है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, मैं चलो एग्जाम्पल के थ्रू ही समझा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो मैंने क्या किया, तो एनिमी के पैरों के नीचे एम को रखना, एंड उसके बाद मैंने क्या किया, बहुत ही ऊपर तक बहुत ही स्पीड में ड्रैग कर दिया। तो इसकी वजह से इजीली यहाँ पे शॉर्ट रेंज में भी हेडशॉट लग गया। एंड भाई शॉर्ट रेंज में बहुत सारी ट्रिक्स वर्क करती हैं, तो इनको मैं एक ही वीडियो में कवर नहीं करना चाहता, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि यार आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही बहुत सारे मतलब इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पे आने वाले हैं। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड, होप्स हो कि आपको वीडियो पसंद आया, और पसंद आया तो एक लाइक कर देना, एंड चैनल पर नया आ रहा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।